समझे हाँ सर देवेंद्र? बिल्कुल सर 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 इसमें बिना 5 पैसे खर्च किए ये देश बदल जाएगा, ये कलयुगी से सतयुगी देश हो जाएगा, और बिना पांच जी पैसे खर्च किए सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, ऐसा मॉडल है ये, राइट? बिल्कुल सर और बिल्कुल इसमें कोई किसी को ना चंद्रगुप्त बना सकता है ना सदस्य बना सकता है। तो इसमें सदस्य और चंद्रगुप्त बनाने का जो तरीका है वो है कि आपको अपने रेफरेंस से लोगों को जोड़ना है। तो रेफरेंस कहाँ पे है? जब आप उस ऐप में सबसे नीचे दाहिनी तरफ देखेंगे तो प्रोफाइल लिखी हुई है, ठीक है ना? ठीक उस है सर प्रोफाइल को जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले वो आपके पॉइंट वगैरह बताएगा और आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, ठीक है ना? इस ठीक है सर आइडेंटिटी कार्ड के जस्ट नीचे जो है ना चार लिंक हैं। एक है शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो आप वहां क्लिक करके व्हाट्सएप में जो है ना आप शेयर कर पाएंगे अपने लोगों के साथ, और फिर उनसे बातचीत करके उनको जोड़ना है। चूंकि वो आपकी लिंक होगी तो जो लोग भी उस लिंक से जुड़ेंगे उसके नंबर आपको मिलेंगे, उसका वोट आपको मिलेगा, ठीक है? क्लियर? ठीक है सर दूसरा जो है उसमें है कॉपी लिंक, तो कॉपी लिंक करके आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग SMS पे भी, राइट? तो जी जो SMS को क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करेगा और उसमें अपना फोटो डाल के अपने बारे में लिख के और पिन कोड डालेगा, तो जैसे ही सबमिट करेगा तो उसे आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, और उसका आइडेंटिटी कार्ड उसके इसी प्रोफाइल पे बैठता है, राइट? ठीक है इसमें सर फिर तीसरा ऑप्शन है शेयर, तो वो किसी भी मीडिया पे जी शेयर कर सकते हैं इंक्लूडिंग टेलीग्राम। तो जो लोग हाँ टेलीग्राम, जी और हम एक सजेस्ट करते हैं कि चूंकि हम व्हाट्सएप का यूज करना बंद कर दिए हैं, लिहाजा हमारे से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति टेलीग्राम को डाउनलोड करे, ठीक है? ओके तो ठीक इसमें जो तीसरे सिस्टम से आप टेलीग्राम सहित अन्य जितने भी मीडिया हैं उस पर शेयर कर पाएंगे, क्लियर? ठीक है ना? तो ये इतनी आसानी से शेयर हो जाता है। और उसका चौथा ऑप्शन है डाउनलोड लिंक, तो जैसे ही हम लिंक को डाउनलोड करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है आपका जो फोटो गैलरी होती है उसमें सेव हो जाता है। तो फिर आप बिना ऐप ओके के जैसे कहीं पे आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हैं कि साहब ऐसा आइडेंटिटी कार्ड होता है, आपको भी ऐसे ही आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, क्लियर? अब राइट 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 जो है दो तरीके के लोग हैं, एक है सदस्य और दूसरा है चंद्रगुप्ती। सदस्य ठीक कौन है सर है? सदस्य कौन है? जो अपनी सोच क्षमता और परिस्थितियों के कारण सामने नहीं आना चाहता है, पर्दे के पीछे रहकर परिवर्तित भारत को देखना चाहता है, अपराध मुक्त भारत चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहता है, गुलामों के जो नियम कानून व्यवस्था इससे मुक्त भारत चाहता है, टैक्स फ्री भारत चाहता है, और टैक्स फ्री होने के बावजूद भी भारत के विकास के लिए आज का जो धनराशि अवेलेबल है उससे 20 गुना ज्यादा धनराशि अवेलेबल कर चाहता है, जहाँ हर व्यक्ति को समृद्ध जो है देखना चाहता है, जहाँ किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़े और हर कोई निरोगी और दीर्घायु हो, ऐसे भारत को चाहता है, और वो भी पर्दे के पीछे, तो उसको सदस्य संकल्प के तहत केवल 90 लोगों को जोड़ना है, ठीक है ना? ये सदस्य संकल्प है, राइट? फिर चंद्रगुप्ती संकल्प जो है वो एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसमें आपको संगोष्ठियां करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है और मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाना है। तो यदि आप राष्ट्रीय मेरिट लिस्ट की बात करेंगे तो उसे संसदीय मेरिट लिस्ट कहेंगे, राइट? तो उसमें 543 लोग जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, तो ऊपर के 543 लोग जो है वो राष्ट्रीय चंद्रगुप्त कहलाएंगे, राइट? और ये राइट घोषणा कब होगी? जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी। तो अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसी वर्ष 2023 में जो चुनाव होने वाला है, क्राइम फ्री भारत अपने चंद्रगुप्तों को उतारेगा। राइट तो कुछ राइट महीने में ही आपको मुख्यमंत्री, मंत्री बनने और विधायक बनने का अवसर सामने खड़ा हुआ है। तो मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 सीट हैं, राइट? 230 विधायक हैं। तो राइट मध्य प्रदेश की जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 230 लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी, राइट? जैसे ही मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें जो है एक राजनीतिक पार्टी जिसने अपने सभी हक क्राइम फ्री भारत को समर्पित कर दिए हैं, वो मेरे आदेश के तहत 2 सर्टिफिकेट लेके आपके पास पहुंचेगी। एक ये कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, और दूसरा ठीक जो है विधायक का टिकट, राइट? तो विधायक का टिकट आपके पास खुद चल के पहुंचेगा यदि आपने लोगों की जोड़ने की रेस में अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित कर पाया, राइट?
इस व्यवस्था के तहत बड़ी आसानी से 100 करोड़ से ज्यादा लोग क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ेंगे। वो सभी लोग जो है जिस दिन से चुनाव की घोषणा होगी और जिस दिन तक वोटिंग है उस दिन तक हर दिन जो है वो अपनी छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर कहेंगे कि देवेंद्र मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। राइट, तो 33 बार उसने वोट दे दिए और एक वोट उसने उस समय दे दिया जब उसने क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ा है। राइट, और 35वां वोट वो देगा जब वो ईवीएम मशीन पे जाके बटन दबाएगा अपने चंद्रगुप्त का। तो 35 बार जो है आपको वोट दे रहा है, ऐसा जो है खुली डेमोक्रेसी के तहत आप जो है बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना चुनाव प्रचार के आप जीत पाएंगे। जब जो है वोट देने वाले संकल्प लेंगे कि मैं आपको विजयी बनाऊंगा, तो आपको किसी प्रचार की जरूरत है क्या? नहीं नहीं सब कैसे, हाँ आपको ना आम सवाल लेना है ना होर्डिंग लगाना है। जब खुद मतदाता अपने छत पे चढ़ के जो है ना थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा, तो आप बिना 5 पैसे खर्च किए विधायक बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? हाँ सर ये है तो सर। अच्छा, और जो नंबर 1 होगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये भी ट्रांसपेरेंसी है इसमें भी। और ऊपर के जो 35-40 लोग जितनी भी संख्या मंत्रियों की है उतने लोग मंत्री बन जाएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त के पास केवल एक ही अधिकार होगा कि आपको पोर्टफोलियो कौन सा देना है। ओके, तो मैंने और कोई अधिकार अपने पास रखा ही नहीं है। राइट, तो आप बताइए सब कुछ आपके हाथ में है कि नहीं है? लोगों को जोड़ना आपके हाथ में है, संगोष्ठी करना आपके हाथ में है, टिकट अपने पास आपके पास पहुंच जाएगा, आप जीत अपने आप जाएंगे और मेरिट लिस्ट के स्थान के आधार पर आप मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक बन जाएंगे। और यदि आप मेरिट लिस्ट में नहीं भी आ पाए तो आपको खुद को और आपके बच्चों को परिवर्तित भारत तो मिल ही जाएगा, क्योंकि विधान और सब चीजें बदल दी जाएंगी। तो आपको परिवर्तित भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो आप बताइए, इतना साधारण तरीके से हमने मॉडल बनाया है, इसमें एकदम बिल्कुल लोगों को टूट पड़ना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जो है जैसे अज्यूम करिए कि आपने मुझे वोट दे दिया, राइट, अब उसको आप भी जानते हैं और कोई दूसरा जानता है, तो वो पहुंचेगा तो वो वोट नॉन ट्रांसफरेबल है, तो वो हमेशा फिर जो है ना वो दूसरे को नहीं मिल सकता है। इसलिए इसमें संगोष्ठी करके जोड़ने वाला काम, यदि आप देर हो गई और आपको जानने वाला व्यक्ति किसी दूसरे को भी, कोई दूसरा भी जानता है उसे, और वो उसे पहले जोड़ लेगा, तो वोट आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आप चंद्रगुप्त नहीं बन पाएंगे फिर। जैसे अज्यूम करिए कि मान लो आप जो है 10,000 लोगों को जानते हैं, राइट, और उन 10,000 लोगों को कोई दूसरा भी जानता है, और आपके पहुंचने के पहले कोई दूसरा जाके उसे अपने लिंक से, अपने रेफरेंस से जोड़ लेगा, तो फिर वो वोट आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए ये भी जरूरी है कि हम अपने काम में शीघ्रता लाएं। जो पहले जो संपर्क करेगा उसके खाते में चला जाएगा वो वोट। राइट सर, राइट। तो आप उनको बताइए, वो उनका नंबर भी मुझे भेज दीजिए, वो मुझसे बात कर लें, उनको जो दिक्कत की जरूरत है वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। और उनके उनके उनको अभी अभी तो ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वाला था ना, वैसे करके। हाँ चलिए, तो जो है इस वार्तालाप को यहाँ समाप्त करते हैं।